मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की पीसी इंदौर में आयोजित की। पीसी में एडवांस आयकर जमा करने वालों की सूची बनाई गई। वहीं पीसी में चेतावनी देते हुए कहा गया कि जिनका टैक्स बाकी है उन पर कार्यवाही की जाएगी। इंदौर में आयोजित पीसी में कहा गया कि 155 करोड़ टैक्स बकाया है, उन लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 286,000 करदाता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल तक टैक्स दिया लेकिन इस साल नहीं दिया, उन पर कार्यवाही होगी। कंपनी वालों को तो भरना अनिवार्य है, 31 मार्च तक का समय दिया है। रिटर्न्स जमा नहीं करने पर छूट और क्लेम नहीं ले पाएंगे आयकरदाता। यह बात प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने मीडिया से चर्चा में कही। 7.50 लाख नए करदाता बनाएगा आयकर विभाग, इसके लिए आयकर विस्तार योजना लागू की गई है। 167 अलग अलग तरीकों से समझाया जा रहा है, पिछले साल 15% ज्यादा आया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 2.7% राजस्व पूरे देश में सबसे ज्यादा आया है। 670 बेनामी संपत्ति अटैच की गई है। हम लोग बाकी जो धाराओं में जो कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई भी हम करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पर एक अभियान चला रखा है, आयकरदाता विस्तार अभियान 2019-20। उसमें भी हमारी एक कार्यक्रम है। हमारे पास जो डेटा है, इंटरनल डेटा है, डिपार्टमेंट का जो डेटा है और जो हमारा बाहर का जो डेटा है, खासकर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का जो डेटा है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे और उसके थ्रू हम लोग नए ऐसे करदाता जो कि जिनको टैक्स भरना चाहिए और जो रिटर्न जिनको भरना चाहिए उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। पिछले वर्ष और इससे पहले वर्ष में अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स अभी तक पे नहीं किया है और ऐसे आंकड़े जो हैं इस समय अभी तक हमारे पास 155 करोड़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 155 करोड़ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे अनपेड है। तो हमारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जितने अफसरों की टीमों की एक पूरा प्रयास रहेगा और सख्ती से ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स अनपेड है उसको हम 31 मार्च तक हर कीमत पर प्राप्त करें। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूँगा। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।